अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबजात प्रोग्राम, मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज है मजदूरों का आलमी दिन। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। बुनियादी मकसद यही है कि मजदूर जो अपना खून पसीना एक करता है, अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, उससे इदारा चलता है, उससे सिस्टम चलता है, उससे पूरा मुल्क चलता है, तो मज़दूरों के हकूक़ का अगर हम तहफ़ुज़ करेंगे तो पाकिस्तान का सिस्टम भी चलेगा, पाकिस्तान की फैक्ट्रियां भी चलेंगी और इसके अलावा पाकिस्तान की पूरी मईशत भी चलेगी। लेकिन आज पाकिस्तान में जो मज़दूर है वो पिसा हुआ है, उसको मिनिमम वेज नहीं मिलती, उसके औकात कार के हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़म नहीं है, उसकी हेल्थ या सेफ्टी के हवाले से बेहतर तौर पर हमें स्टैंडर्ड्स नज़र नहीं आते, और इसके अलावा जो उसकी सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से है, और फिर मज़दूरों की जो यूनियन के हवाले से जो बुनियादी सवाल उठता है कि यूनियन होगी तो मज़दूर जो है वो अपना इनफरादी हक जो है वो यूनियन के थ्रू हासिल कर सकेगा, इस जैसे बहुत सारे बुनियादी सवालात मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान के मज़दूर के पास और उससे पूछते हैं कि 14,000 मिनिमम वेज उसको मिलेगी और ताकि वो अपना घर बार जो है वो चला सके, तो किस हद तक खुश है, किस हद तक मुतमईन है। आइए सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के मजदूर की राय। 10 साल हो गया मजदूरी कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ, 10 साल से। यहीं कराची में? यहीं कराची पे। हमने पहले से हमने 150 रुपये कमा रहा था, वो तो गुजारा हो रहा था, अभी गुजारा नहीं हो रहा है। अभी 600-700 रुपये कमा रहा है तो गुजारा नहीं हो जाएगा। कम अज़ कम मजदूर का 1,000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। 1,000 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए? या मजदूर का 1,000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। सब कुछ महंगाई हुआ है ना। हम अंदरूनी सिंध के रहने वाले हैं और मजदूर मिस्त्री के काम करते हैं। यहाँ पे आके 30 साल से मजदूरी कर रहे हैं। उस वक्त कर रहे हैं जब 100 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री की थी, मजदूर की 50 रुपये थी, उस वक्त हम काम करते थे, मगर उससे पेट भरे। मगर अब इस वक्त हम 1200-1300 दिहाड़ी गए, फिर भी नहीं हो रहे। किसी ऐसे ठेकेदारों के पास काम पे जाते हैं, मगर शाम को ठेकेदार यही कहता भाई मैं आ रहा हूँ, वो पैसे भी नहीं दे रहा। हुकूमत जो है, हुकूमत भी तावन नहीं करती है। मुल्क की सतह पर पड़ेगी जब हमारे मजदूरों का वो ख्याल करेंगे। जब मजदूर भूखे मरेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, तो वही मजदूर जो डकैती बन जाते हैं, दुकानें तोड़ेंगे, चोरियां करेंगे, आखिर उनको उनके लिए पेट बंधा हुआ है, रोटी खाने के लिए चाहिए। हम रोजाना के 200-300-400 तो खुद खा जाते हैं। 12,000 रुपये में कैसे गुजारा? 12,000 रुपये कम है, लेकिन वो भी शायद आपको नहीं मिलते। नहीं, वो भी नहीं मिलते ना। 12,000 मिले चलो वो भी सही है फिर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम, एक दिन काम है, दो दिन नहीं है, ये हालात चल जाते बस। जी आप क्या कहेंगे? रोजगारी नहीं है, तेते अरसा हो गया बैठता हूँ बस, कदी मिल गई कदी ना मिली, ऐसा ही है। मैं तो पहले गवर्नमेंट से ये सवाल करूँगा कि आप कहाँ से लाते हो? तो हम लोग मजबूरी से बैठे हुए, हमें कोई यहाँ शौक नहीं है। अगर शौक होता तो किसी दफ्तर में बैठते। हुकूमत कहती है कि उन्होंने उठा के लात मजदूरों के गले पे रखी है, मजदूर दब जाए। अभी आप हमें काम पे ले जा रहे हो, हमारा काम है 2,000 रुपये का। हम आपको कहते हैं जी इस काम का हम आपसे 2,000 रुपये देंगे, आप कहते हैं जी हम 1,000 रुपये दोगे। अभी हम बच्चों को देखें तो मजबूरी करनी पड़ती है, एक दिन का काम तीन दिन में करना पड़ता है, 250-300 रुपये दिहाड़ी मिलता है, 250 में आज के साल ना बढ़ता है। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हुनरमंद हैं और आपको आपके हुनर का जायज सिला मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कदर किया जाए, हुनर का कदर किया जाए। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, मैं पहले 300 रुपये कमाता था, 300 रुपये में मैं जो है ना 40 रुपये एक कट्टा मिलता था आटे का, वो मेरे को 7.5 कट्टे मिलते थे, और अब मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 2.5 कट्टे कमा रहा हूँ, और 2.5 कट्टे में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? कि बलबचेदार है और सब जो है ना महंगाई का दौर है, समझे ना। तो इस वजह से हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि हमारे मसाइल पर भी तवज्जो दे। वेलकम बैक व्यूअर्स, और आपने देखा कि पाकिस्तान का मजदूर किस हाल में है और अपना खून पसीना एक करता है, लेकिन उसका जो हक है उसके खून पसीने का वो उसे नहीं मिल पाता। तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो समाजी हकूक़ हैं, सोशल प्रोटेक्शन है, वो तो एक तरफ वो पेट ही नहीं पाल रहा, ना सिर्फ अपना, अपने बीवी बच्चों का, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हद तक बढ़ गई है, महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई है, और इसके अलावा दूसरे तमाम मसाइल जो कि पाकिस्तान में किसी भी एक आम फर्द को, गरीब फर्द को फेस करने पड़ते हैं। हमने बहुत सारे कानून बनाए पाकिस्तान के अंदर, ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान लेबर मैनुअल है और इसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और लेबर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे कानून हैं जो 18वीं सदी से लेकर इस सदी तक हमारे पास मौजूद हैं, और बहुत सारे उनको अमेंड भी किया गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो सकी। और आज
हमने देखा कि कराची के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो क्लेम भी करती नज़र आ रही हैं कि हम मज़दूरों को उनके हकूक दिलाएंगे। उसमें तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग है, सो छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें ये क्लेम कर रही हैं कि वो संजीदा हैं मज़दूरों के हकूक के लिए, तो उनके साथ मज़दूर मिले ताकि वो उनके हकूक जो हैं वो आने वाले दिनों में दिलाएंगे। लेकिन ये पाँचवें साल ही क्यों याद आता है जब इलेक्शन ईयर है, तो पहले साल इस टेन्योर के पहले साल किसी सियासी जमात को मज़दूरों के हकूक का ख्याल नहीं आया। तो इस हवाले से व्यूअर्स हम बात करेंगे, इंतहाई बुनियादी सब्जेक्ट है, इंतहाई अहम इशू है, और स्क्रीन पर इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि हुकूमत सिंध ने जो पुराने कवानीन थे ओल्ड एज बेनिफिट्स के, इसके अलावा मिनिमम वेज के और दूसरे तमाम कवानीन, उनको अमेंड किया है। तो ये कुल 13 कवानीन हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी और क्या हमारी सूबाई हुकूमतें संजीदा नहीं हैं इस हवाले से? फंड्स उन्हें मिलते हैं, लेबर एंड एचआर का जो 2016-17 का फंड है वो 60 अरब रुपए का है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ना होने की वजह से आज मजदूर जो है वो पिस रहा है और बहुत हद तक सीख पा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल करामत अली साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च का, एक बड़ा अहम इदारा है पाइलर, और उसको चला भी रहे हैं बहुत अरसे से। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके साथ मौजूद हैं। फरद फातिमा प्रोग्राम मैनेजर हैं पाइलर की, फरद आपका बहुत शुक्रिया। आपसे भी हम पूछेंगे कि पाइलर के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो किस स्टेज पर हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में आपने क्या किरदार अदा किया। सर आप कैसे देखते हैं, सारी सियासी जमातें सड़कों पर निकली हुई हैं, मज़दूरों की रैलियाँ निकल रही हैं, मज़दूर भी उस बेचारे को समझ नहीं आता कि कौन सी सियासी जमात उसके हकूक की दुरुस्त मायनों में बात कर रही है, लेकिन वो भी कन्फ्यूज़ है, हुकूमतें भी कन्फ्यूज़ हैं, इदारे भी कन्फ्यूज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है नहीं, 14,000 मिनिमम वेज से मज़दूर का गुजारा नहीं होता। सर क्या मज़दूर का कोई है, कोई उसे हक मिल सकता है आज के इस दौर में? शुक्रिया। देखिए हक किसी का भी हो वो तो घर में बैठे हुए कभी किसी को, लोगों को मुनज़्ज़म होना पड़ता है, मुत्तहद होना पड़ता है और मिल के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई जमहूरी माशरा है तो उसमें वो इदारे होने चाहिए जो कवानीन जब बन जाएं तो फिर वो उन पर अमल दरामद कराने के ज़िम्मेदार और पाबंद हों। हमारे यहाँ दोनों बातें बहुत ही कमज़ोर सूरत हाल में है, यानी अगर आप मज़दूरों की तंजीम साजी की सूरत हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 1% से कम वर्कर ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म हैं। अब ज़ाहिर है 1% से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एक कतरा है पूरे समंदर में जो गैर मुनज़्ज़म है। फिर ये कि पैदावार के तरीके काफ़ी तब्दील हुए हैं, मसलन बहुत सारी पैदावार वो कारखानों से निकाल के लोगों के घरों में शिफ्ट कर दी गई है। लाखों की तादाद में वो वर्कर हैं जो अपने घर को फैक्ट्री में बदलने पे मजबूर हैं, जिनको हम होम बेस्ड वर्कर कहते हैं। तो कारखाने में कोई कानून लागू नहीं होता तो घर में क्या लागू होगा, तो वो एक तरह से फैला दी गई है फैक्ट्री को और ऑलमोस्ट जैसे डिसमेंटल कर दिया जाए वो है। फिर ये कि वो तो किसी के मुलाजिम समझे नहीं जाते हैं, हालांकि वो काम उन्हीं कंपनियों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जो कंपनी में भी जाके काम कर रहे हैं उनमें से अक्सरियत को वहाँ का मुलाजिम तसव्वुर किया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो ठेकेदारी का निज़ाम है, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट है, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो वहाँ काम करते हैं। सर ये बड़ी अहम बात है आपने की, ये कितनी अहम बात है कि एक मज़दूर जिसकी वजह से फैक्ट्री चल रही है उसके पास आईनी कानूनी शनाख्त नहीं है तो हकूक कैसे मिलेंगे? तो देखें ये तो अनफॉर्चुनेट ऐसी सूरत हाल है कि जब ग़ुलामी का दौर था तो जो मालिक होते थे वो अपने ग़ुलाम को ओन करते थे क्योंकि वो ख़रीद के लाने पड़ते थे। तो अब हालत ये है कि ग़ुलामी से बदतर सूरत हाल है, लेकिन वो उसको ओन भी करने को तैयार नहीं क्योंकि उसने उसे ख़रीदा हुआ नहीं है और वो जब चाहे उसको रिप्लेस कर सकता है। ग़ुलाम को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसको पैसे कैश दे के ख़रीदना पड़ता था। तो ये हमारी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें जब तक ये बुनियादी, और ये सब हमारे कानून जो मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ है,
क्योंकि आप साल हर साल लोगों से काम नहीं करा सकते हैं बतौर टेम्प्रेरी या बदली के तौर पे, और जब एक मुस्तकिल नौयत का काम है तो उस पे मुस्तकिल मुलाजमत होनी चाहिए, और जो असल ओनर होता है वो जिसके ज़रिए भी किसी को भर्ती करे वो एक्चुअल जिम्मेदारी कानून के नफाज की वो असल मालिक की। ये कानून के मुख्तलिफ जो नफाज होने चाहिए आज सिंध के अंदर, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 पुराना कानून है उसको अमेंड किया, सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2014, सिंध कंपनीज मुनाफा जात एक्ट 2015, सिंध एम्प्लाइज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 2014, सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015, और सिंध में जो कम अज़ कम जो तनख्वाहों की अदायगी का जो एक्ट है 2015 उसको भी अमेंड किया, सिंध एम्प्लाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2015, सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 बहुत पुराना कानून है उसमें भी अमेंडमेंट की गई, सिंध शॉप्स और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015, सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 2015, इसी तरह दूसरे तमाम बच्चों की मुलाजमत ममनू करार देने का एक्ट 2015। फरत, ये इतने सारे कवानीन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, ये मैनुअल हमारे पास पड़ा है, मैनुअल बताता है कि किसने क्या काम करना है, किस इदारे में किस तरह के कवानीन होंगे, कौन काम करेगा, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है, लेबर कोर्ट्स का क्या काम है, कवानीन कैसे काम करेंगे, तो जब इसकी अमल दरामद नहीं होनी तो कवानीन हम बना क्यों रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कवानीन के अमल दरामद की बात है तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो डिपार्टमेंट्स की अपनी विलिंगनेस का होना ज़रूरी है और दूसरे एक कलेक्टिव पावर होना ज़रूरी है। जैसे सर ने बात की कि कलेक्टिव बारगेनिंग की जब तक पावर नहीं होगी, जब तक यूनियंस में मुनज़्ज़म नहीं होंगे, वो डिमांड नहीं कर सकते कि कानून पर अमल दरामद करो या कानून इस्तेमाल करने के लिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये क्यों बनाए जाते हैं, आपको यकीनन पता होगा 2012 में यहाँ पे फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों मजदूरों की जानें गई थी, उसके बाद हम बल्दिया फैक्ट्री फायर की मैं बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली 250 लोग जो है वो जल के मर गए और आज तक उन्हें हकूक नहीं मिले, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे, और उसके ऊपर हमने बहुत लंबी 4 साल की कैंपेन चलाई जिसमें काफी कुछ हमने अचीव भी किया, लेकिन मैं उसका रेफरेंस देना चाहूंगी कि उसके बाद गवर्नमेंट को ख्याल आया कि शायद हमें जो कवानीन 18th अमेंडमेंट के बाद जो बन जाने चाहिए थे, प्रोविंस में आ जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए थे। 2012 तक कुछ भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। 2013 में उनको ये ख्याल आया कि इसको कुछ लॉज को रिवाइज करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को साइन करती है जिसके अंदर भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनको पूरा करना होता है, वरना वो जो मरात होती हैं, वो जो ट्रीटीज़ होती हैं वो वापस हो जाती हैं। जैसे GSP प्लस की मैं बात करूँगी जो 2014 में पाकिस्तान को मिला था, 2014 में जब उसको साइन किया, अर्ली 2014 में, तो उसके अंदर 27 कन्वेंशंस थे जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था, और 16 जो उसमें से थे वो लेबर से रिलेटेड थे। तो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें, उनका भी हशर जो है वो इतना कोई ख़ास बेहतर नहीं है। तो इस तरह के जो आ जाती हैं, समझ लें कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, आपको कुछ ना कुछ कवानीन बनाना लागू करना लाजमी हो जाता है। तो उस तौर पे जब आपकी पर्सनल विलिंगनेस नहीं होती है डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट की, तो इन वजूहात की वजह से वो बन जाते हैं। लेकिन ज़ाहरी बात है कि उसको अमल दरामद करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा फाइनेंशियल रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ें उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, बजट की एलोकेशन के मसाइल आ जाते हैं। जब भी आप डिपार्टमेंट से बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है, ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज है, वो कहते हैं हम इंस्पेक्शन कैसे करें, हमारे पास इंस्पेक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं है, लेकिन हम कैसे करें, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, और दूसरे मसाइल हैं, जाहिर है दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी करते हैं। लेकिन इन सब एक कलेक्टिव एफर्ट जब तक नहीं होगी, इंडिविजुअल एफर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ा सकेंगे। तो सर, बुनियादी स्टेप जो है वो फिर तो यही होना चाहिए कि पहले हम शनाख्त तो दें, जो आप पहले बात कर रहे थे कि अगर मजदूर की शनाख्त ही नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। तो शनाख्त अगर होगी तो फिर अगर इदारों की लेट्स अज्यूम कैपेसिटी भी है, विलिंगनेस भी है, तो शनाख्त होगी तो उसको शनाख्त करके उसको हकूक देने की वो बात करेगा कि इसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इसे मिनिमम वेज मिल रही है नहीं मिल रही, क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें। तो अब फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, सियासी जमातें सारी बातें कर रही हैं कि हम मजदूरों को हकूक देंगे, तो आज इतना इदारे काम कर रहे हैं, फंड्स हमने एलोकेट कर दिए, फंड्स को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, वो लैप्स कर जाएंगे और उसके हकूक मिल नहीं सकेंगे।
देखें, जहाँ तक सियासी जमातों का सवाल है तो अच्छी बात यह है कि कम से कम वो मज़दूरों के नाम को दोबारा याद कर रहे हैं, और ये कि अगर वो ये कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर हम करेंगे, तो कम से कम लेबर के मसले पर वो ये नहीं कह सकते कि वो हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, नून लीग की पंजाब और बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, और जो तहरीक इंसाफ है उसकी केपी में, तो और जो लेबर है ये मुकम्मल तौर पे सूबाई मसला है, तो उनके पास कौन उन्हें रोक रहा था अब करने में, या इस एक साल में भी उनको कौन रोकेगा कि वो कुछ करके दिखाएं। तो अगर तो वो ये कहें कि अगले इलेक्शन में हमें वोट मिलेगा तो फिर हम करेंगे, तो फिर उनकी नीयत में बहुत बड़ी ख़राबी है। ये टेस्ट अभी है कि एक साल पूरा पड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ करके बता दें, जो आपने कानून बनाए कम अज़ कम उन पर अमल दरामद कर दें, जो इदारे उनको नाफिस करने के ज़िम्मेदार हैं उनको स्ट्रीमलाइन। तो सर आपको आप समझते नहीं कि सियासी जमातों को तो ये चाहिए था कि कम अज़ कम जो कवानीन बने हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मेकैनिज़म पर ज़ोर देते सूबाई हुकूमतों को, अपोजिशन जमातें अपनी हुकूमती जमातों को ज़ोर देती हैं कि जो कवानीन बने उनको इम्प्लीमेंट करवा दें, बजाय इसके कि वो कहें कि जी आप हमारा साथ दें, जब आप हमारे साथ आएंगे तो फिर हम आपको हकूक देंगे, तो मज़दूर बेचारा क्या करे सर? नहीं देखें, मज़दूरों की अपनी ज़िम्मेदारी भी है, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, और वो मुनज़्ज़म करने के रास्ते मज़दूर मुनज़्ज़म करें जी, अपनी यूनियनें बनाएं और यूनियनें ऐसी बनाएं जो मौसर हों। वरना आज कल हमारे यहाँ आमतौर पर यूनियन एक इदारे के अंदर बनती, फिर हर इदारे में एक से ज़्यादा यूनियनें बन जाती, तो ये जो अपने आप को तकसीम करना और महदूद करना एक इदारे में, इससे जान छुड़ानी पड़ती। सर आज पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूरों के जो कवानीन हैं वो इजाज़त देते हैं कि मज़दूर जो है वो अपनी यूनियन बना सके किसी भी इदारे के अंदर? देखें, इस तरह से तो जो हमारे इस वक्त मौजूद कानून हैं उनकी बुनियाद ही ये थी कि जहाँ तक मुमकिन हो मज़दूरों को यूनियन बनाने से रोका जाए, और बहुत मजबूरी हो जाए तो सबको ना यूनियन बनाने दी जाए, और अगर बन जाए तो उसको इतना तकसीम का शिकार कर दिया जाए कि वो मौसर ना हो। तो उसमें ये बदनीयती पर मबनी कवानीन हैं, क्योंकि जो हक है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठाइए, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जो है वो यूनियन और अंजुमन बनाने का है, वो हक जो है मज़दूरों का भी है और आजरों का भी है, यानी हर शहरी का हक है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी जो है वो मफादात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी अंजुमन बना सके। और आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो है। लेकिन जब ये कानून आप पढ़ें, ये शुरू होता है तो पहली ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगा या एक सूबे में लागू होगा, उसके बाद आता है कि ये तमाम मज़दूरों पर लागू होगा सिवाय इनके, वो जो सिवाय उनके है उसमें अक्सरियत को बाहर निकाल दिया गया। ये आप सोचें कि अभी जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उस वक्त जो कानून यहाँ बना था यूनियन साजी के बारे में वो 1926 में बना था, उसमें उसको आज आप उठाएं तो उसमें सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ वो लोग जो आर्म्ड फोर्सेस में वर्दी पहन के काम करते हैं उनका हक नहीं है अंजुमन साजी का, बाकी सब लोगों का हक है, यानी पुलिस की भी यूनियन होती थी। इस वक्त पाकिस्तान में जो रियासत के मुलाज़मीन हैं 99% अब उनका हक अंजुमन साजी का ख़त्म हो गया। बिल्कुल, और आज भी हम पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी जो आइनी हकूक हैं उसकी जंग जो है वो जारी रहती है, और बदकिस्मती से मार्शल लॉ लगना और ये तमाम चीज़ें ये भी उसका पेश काम है। सर अब मुझे बताएं, कमिंग बैक टू लेबर, अब लेबर के की शनाख्त के हवाले से तो आपने बताया जो उसकी वेज है बुनियादी, कि जो भी वो काम कर रहा है पहले तो यही तमाम मसाइल हैं कि वो जहाँ पर काम करेगा वहाँ काम के औकात कार जो है वो उसकी अमल दरामद हो रही है या नहीं, उसको तमाम सेफ्टी मैकेनिज्म वहाँ पर हैं या नहीं। अभी गडानी का वाकया हमने देखा, गडानी के अंदर वो जहाज़ के अंदर जो है तमाम मजदूर जल गए, तो वहाँ पर
सिक्योरिटी मैकेनिज्म था ही नहीं, बेचारे 40-50 मजदूर जो है वो जल गए, मैं करामत साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, फिर जो समाजी तहफ़ है वो हमने देना है और दूसरे तमाम चीज़ें। तो मज़दूर कहता है कि ठीक है ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, आप मेरी किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं कर रहे, मुझे बिजली भी नहीं दे रहे, मुझे पानी भी नहीं दे रहे, मेरा बुनियादी आइनी हक है, लेकिन कम से कम मुझे मिनिमम वेज दे दें, मुझे पैसे अच्छे मिल जाएं ताकि वो तमाम चीज़ें कंपनसेट हो जाएं। और कंपनसेशन का जो है वो एक्ट भी है हमारे पास, सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015, उसके अंदर राइट्स का चैप्टर डाला। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उन हकूक को यकीनी बनाए जो माने गए हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक हैं और हर इंसान को हासिल होनी चाहिए। तो रियासत का जवाज़ ही नहीं रहता है अगर वो उन हकूक को गारंटी नहीं कर सकती, फिर तो वो जंगल का कानून है। आप हर कोई अपने तौर पे चले, क्यों हम टैक्स दें, क्यों अपने ऊपर अफसर बना के लोगों को बिठाएं, आप हर कोई अपना इंतज़ाम खुद करे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तो रियासत ये नहीं हम मान सकते कि रियासत चूँकि नहीं कर पा रही है इसलिए वो कर नहीं सकती, वो कर नहीं रही है इसलिए कि उसकी प्रायोरिटीज़ गलत हैं और वो उन लोगों को सर्विस करती है जिनके पास पावर होती है, जिनके पास दौलत होती है, जो अपनी चीज़ें अपनी ताकत से मनवा सकते हैं, जो आके जो है वो उन इदारों में बैठते हैं जहाँ फैसला साजी होती है। जो बाकी लोग हैं जिनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, जो अक्सरियत हैं, उनको उस वक्त तक वो हुकूक नहीं मिलेंगे जब तक वो मुनज़्ज़म ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ख़ुद बराए रास्त अपनी ज़िंदगी, क्योंकि सियासत जो है वो कुछ नहीं है इसके अलावा कि अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं हम उसमें शामिल हों और उनका जो डायरेक्शन अगर गलत है तो उसको सही डायरेक्शन पे लाएं। तो लोगों को अपने आप को अपनी तबकाती तंजीमों में भी मुनज़्ज़म होना है, लेकिन सियासत में भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जब तक आम लोग सियासत में ख़ुद हिस्सा नहीं लेंगे, तो अब 100 का अगर हाउस है और उसमें 85 लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार घरानों से आए हुए हैं या दौलतमंद हैं, वो वहाँ बैठ के गरीबों की फिक्र कर। कराची में 5 लेबर कोर्ट्स हैं, कराची में जितने भी मजदूर हैं और ठीक ठाक मजदूर हैं, पूरे मुल्क से पाकिस्तान में मजदूर आते हैं, कितने मजदूरों को आपके ख्याल से फ़र्द पता होगा कि कराची में 5 लेबर कोर्ट्स हैं, मुझे किस कोर्ट में जाना है, मुझे कौन हक देगा, वकील मैं कैसे करूं, अपने मसाइल कैसे हल करूं, कितने मजदूरों को पता? देखिए, जहाँ तक आप जो आप बात करते हैं ना, पता है, सेंसिटाइजेशन तो बहुत मसला है, अवेयरनेस का तो सीरियस मसला है हमारे, आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान में। जहाँ तक लेबर की जिस कैटेगरी के लेबर की बात हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, उनके यहाँ तालीम और बुनियादी जो अवेयरनेस है वो और भी कम होती है आम लोगों के मुकाबले में। वो अभी टीनेजर ही होते हैं, बमुश्किल उस उम्र से निकलते हैं, वो फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुँच जाते हैं, फिर रात दिन वहीं मेहनत करते हैं और वापस आके अपने घर में बिजली पानी के मसलों में अटक जाते हैं। तो ये अवेयरनेस का तो सीरियस मसला है कि ज़्यादातर मज़दूरों को ना अपने हकूक के बारे में पता है, ना उनको ये पता है कि कितनी लेबर कोर्ट्स हैं और उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अब 5 सिर्फ कराची में, 1 हैदराबाद में, 1 सखर में और 1 लाड़काना में। अब सिंध के अंदर 26 ज़िले, अब 26 ज़िलों के अंदर जो है वो 5-6 ज़िले कराची के, 1 ज़िला हैदराबाद का, सखर लाड़काना, तो बाकी ज़िलों के जो मजदूर हैं वो क्या करें? बारे में तो आप सेकेंड स्टेप पे सोचेंगे ना, आप देखेंगे कराची में रहने वाले कितने मजदूर लेबर कोर्ट पे जा रहे हैं, आप देखें कि अगर वहाँ पे केस करने के लिए जाएंगे तो अपनी मुलाजमत साबित करनी होगी, जितना अरसा अगर केस उनका वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, केस चलता है, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए होंगे और उतने अरसे तक वो मुलाजमत नहीं कर सकेंगे जब तक केस चलेगा, तो उनके अंदर तो ये फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। मेरे ख्याल में सर इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर वो अगर जाएगा भी केस लड़ने जाएगा भी तो वो उसकी नौकरी का क्या होगा? तो यानी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी गैर यकीनी की कैफियात हैं जिससे मजदूर बेचारे को गुजरना पड़ेगा। देखें, लेबर कोर्ट जो है वो तो सिर्फ मखसूस इश्यूज के लिए होता है, हर चीज़ लेबर कोर्ट में जाती नहीं।
जो रोज़मर्रा मसले हैं उनके लिए जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, अगर वो मौसर तरीके से काम करें, जैसे इंस्पेक्शन का शोबा है, अगर वो काम करता हो सही तो उसके फ़राइज़ में ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि काम की जगह महफूज हैं या नहीं हैं, वहाँ जो बुनियादी कानूनी हकूक़ हैं वो लोगों को मिल रहे हैं, मसलन अपॉइंटमेंट का लेटर है या नहीं है, शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन कराई गई है मुख्तलिफ इदारों के साथ या नहीं, ये सारी चीज़ें तो उसी के अंदर जो है ये इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन को वो इदारा देख सकता है और उन शिकायत को लेबर डिपार्टमेंट में फिर कंसीलिएशन का एक महकमा है जिसमें शिकायत लेके जा सकते हैं वर्कर और वहाँ वो बुला के एम्प्लॉयर को बहुत सारे इश्यूज हैं जो बाहमी डिस्कशन से तय हो सकते हैं, उसे हक मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन वो मौसर नहीं है। पहली बात ये, दूसरी बात क्यों नहीं, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ओवर टाइम जो है वो ये बाकायदा कि मजदूरों के इश्यूज को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए बल्कि उन्हें दबाने के ज़रिए कंट्रोल में रखा जाए, तो ये एक सोच बनी है और ख़ास तौर पे जब यहाँ फौजी आमरियतें आती हैं तो फौजी आमरियतों का के पहले दो काम होते हैं, नंबर एक के सियासी एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया, नंबर दो के मजदूर यूनियनों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी कि कोई काम नहीं कर सकता। तो ये एटीट्यूड क्या है कि पॉलिटिकल इदारे आप जो हैं उनको मफलूज कर देते हैं और जुडिशरी को आप जो है वो मफलूज कर देते हैं और सिर्फ एक डंडा हाथ में लेके बैठ जाते हैं, तो वो इतना लंबा अरसा हमारे यहाँ आमरियतें रही हैं कि वो एक नॉर्म बन गया है कि मजदूरों का को बोलें आप ज़रा देख लें कि यहाँ कोई जो शिकागो के 10 मजदूरों की हम याद मनाते हैं, यहाँ कोई 10 ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हो चुके हैं जो शिकागो से ज़्यादा भयानक थे, जहाँ रियासती जबर और तशद्दुद के ज़रिए दर्जनों और सैकड़ों मजदूरों की जानें गई। आज भी यही मसला चल रहा है जो डॉन लीक्स में इशू है फौज और सिविल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ट्वीट जो का इशू बना है ISPR का, वो भी अगर बड़े पैराहे में आप देखें तो यही एक इशू है कि सिविल गवर्नमेंट की हदूद क्या हैं और इसी तरह फ़ौज की हदूद क्या हैं, उसका क्या काम है, क्या करना चाहिए, तो इस हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। तो सिविल गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऐसे मारूजी हालात में उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सिस्टम को चलाने के लिए, अब पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो सर अब मुझे बताएं कि लेबर कोर्ट्स अगर मौसर नहीं है, क्या एक आम मजदूर अपनी वेज के लिए कम से कम वो कहे कि जी रियासत ने मुझे बुनियादी हकूक नहीं दिए, मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 14,000 मिनिमम वेज मुझे मिल नहीं रही, वो लेबर कोर्ट में जा सकता है अपनी वेज के लिए? लेबर कोर्ट जो है उसमें भी जा सकते हैं अगर वेजेस की अदायगी नहीं की गई है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म अलग होना चाहिए, ठीक है, वो मॉनिटर भी करे और वहाँ लोग कंप्लेंट भी कर सकें, वो हमारे यहाँ अभी नहीं। क्या मैकेनिज्म अलग क्या है? आप एक जैसे मिनिमम वेज का है तो आप जो वेज बोर्ड बनाते हैं आप उनको इख्तियार दे दें कि वो अपने अपने सूबे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करें, उसी में आप जो है कंप्लेंट सेल बनाएं, उसको पब्लिसाइज करें, जिस वर्कर को नहीं मिल रही है मिनिमम वेज उसे पता हो कि किस जगह जाके, हर सनती इदारे में आप उसका दफ्तर खोल दें जहाँ जाके लोग कंप्लेंट कर सकें। ये हमारे यहाँ तो तालीम वगैरह का मेयार बहुत कम है, बरतानिया वालों ने कोई 25 साल पहले मिनिमम वेज शुरू की थी तो 6 महीने तक उसको एडवर्टाइज़ किया जाता था सारे मीडिया में और वहाँ इदारे बनाए गए थे कि अगर किसी को मिनिमम वेज ना मिल रही हो तो वो फलानी जगह जाके कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि मिनिमम वेज ना देना एक क्रिमिनल एक्ट। बिल्कुल सही है। तो सर जो सुबाई जो बोर्ड हैं वेज बोर्ड के वही मैकेनिज्म बनाएं, उनको आप बाख्तियार बनाइए और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी पावर हो कि वो जाकर इंस्पेक्ट करें कि मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन उससे भी अहम सवाल ये है कि ये मिनिमम वेज जो है ये नाकाफ़ी है, मिनिमम वेज का तसव्वुर ये इसीलिए उसमें स्किल एजुकेशन कोई चीज़ नहीं, तसव्वुर ये होता है कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं जिनके बग़ैर इंसानी ज़िंदगी नहीं गुज़र होती है वो हर एक को मिलनी चाहिए रिगार्डलेस कि उसकी तालीम क्या है उसकी स्किल क्या है, ठीक है ना।
अनस्किल्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फरहत, मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज है वो 14,000 तो ना काफ़ी है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसमें आगे आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस गैस के बिल हैं, महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई है, तालीम इतनी महंगी हो गई है। तो आप समझती हैं कि जो मिनिमम वेज है वो 25-30 हज़ार के लगभग होनी चाहिए मजदूर की, और क्या अगर हाँ तो मिनिमम वेज बोर्ड फिर क्यों नहीं इतलाक कर? देखिए, ये एक बिल्कुल आपने सही बात की कि जिसको आप लिविंग वेज कहते हैं, जिसके अंदर आपकी जो एक फैमिली की इंसानी ज़रूरियात डिसेंट तरीके से मिनिमम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, तो वो मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने अनऑफिशियली सर्वे भी किए हैं और बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके ऊपर रिसर्च भी की है। तो ये तकरीबन यही फिगर बनता है 30-31 हज़ार रुपये का, जिसमें 30-31 हज़ार रुपये का, कि जिसके अंदर एक फैमिली जो जिसको आप कहते हैं कि 5 से 6 अफराद की फैमिली हमारे पास ये एवरेज ली जाती है, उसका गुजारा हो सकता है। और अगर आपके यहाँ काम करने के लिए जो अफराद हैं, हर फैमिली में 2 अफराद हैं, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक फैमिली का जो गुजारा है 5 से 6 अफराद की फैमिली का, उसका 30 हज़ार से कम में गुजारा नहीं। जो वेज बोर्ड है उन्हें क्या चीज रोक रही है कि वो 30-31 हज़ार नहीं रखते? इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, वो क्यों हर साल 1,000 रुपया बढ़ाते हैं? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना, कि हमने 1,000 बढ़ा दिया, दूसरा आया, दूसरे ने, किसी ने फेडरल में बढ़ा दिया, किसी ने प्रोविंशियल में बढ़ा दिया। लेकिन असल में जब आप प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, तो अगर मैं वेज बोर्ड में या मैं गवर्नमेंट में बैठी हुई हूँ और मेरी अपनी 4 फैक्ट्रियाँ हैं और मेरा जो ज़्यादातर जो मेरे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार हैं या मेरा जो एक जनरल इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयर की तरफ है, तो वो फिर आपकी पॉलिसी मेकिंग में या उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और हमारे आपको पता है कि गरीब तबके के लोग इतने ज़्यादा पॉलिसी तो आज अगर आते नहीं है। लेट्स से 30,000 जो है वो मिनिमम वेज तय कर दे। फिर वो सैफ फरीकी अदारे भी काम करेंगे। अभी जो है वो आप समझें कि ये सैफ फरीकियत नाम की है कि 1% मजदूर अगर मुनज़म है तो वो तो ऐसा है कि 2 अच्छे हट्टे कट्टे लोगों के दरमियान एक लूले लंगड़े आदमी के भी हाथ पांव बांधे हुए हों और उसको बिठा दें कि आप निगोशिएट कर लें, तो वो निगोशिएशन तो नहीं होती। तो इसलिए असल जो की है वो तो ये है। इसलिए जो बहुत ज़ोर दिया गया कि हर शख्स का अंजुमन साजी का हक होना चाहिए और उसमें से फौजियों को सिर्फ इस्तिस्ना हो गया, वो इसलिए था कि उनको यूनियन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी ज़रूरियात पूरी ऑटोक्रेटिक हैं, वो पूरी हो जाती हैं। अच्छा सर, आप भी एग्री करते हैं जैसे फरहत ने कहा कि 30,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए आज के हालात में? देखें, ये 30,000 की कैलकुलेशन भी अब 3 साल पुरानी हो गई है, अब तो उसमें थोड़ा और इजाफा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त जो है ये तो बिल्कुल नाकाफी है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो हमारा ये बल्दिया फैक्ट्री वाला था, उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेशन का एग्रीमेंट हुआ है। हमारा ये कहना था कि 31,000 उस वेज की बुनियाद बनाई जाए कि अगर वो 2012 में जब एक वो हादसा हुआ तो अगर लिविंग वेज होती तो वो कम से कम 31,000 होती। ILO ने वो तो हमारी बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने ये जो कैलकुलेशन की है वो 25,500 रुपये पर मंथ वेज अस्यूम की है। तो मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि जो ILO ने की है वही लगा दो सबके लिए और 14,000 से उसको बढ़ा के आप 25,500 ले आए। लेकिन फिर भी जो की है ना वो ये है कि वर्कर मुनज़म हो और वो कलेक्टिव बारगेनिंग करे, क्योंकि एक तो है स्टेट फिक्स करे कि इससे कम किसी की नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये है कि अपने अपने कामों प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से लोग बारगेनिंग करे। और मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 1926 का कानून है ये बनवाया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने